सो गाइस ये हमारे सामने खड़ी है ऑल न्यू 2024 टोटली न्यू लॉन्च रॉयल इनफील्ड गोरिल्ला 450 का आपका मिड मॉडल, जो कि आप प्लाया ब्लैक कलर में देख पाओगे। अगर टॉप मॉडल से इसे कंपेयर करोगे तो इसका आपको 5,000 रुपये कम पे करना पड़ेगा, और फीचर्स में आपको कोई भी अंतर नहीं देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको कलर में आपको डिफरेंसेस रखा गया है। और अगर इस गाड़ी को हिमालयन 450 से कंपेयर करोगे तो बहुत सारा पार्ट इसमें आपको शेयरिंग देखने को मिलेगा, कुछ इसमें हटाया गया है और कुछ एड ऑन किया गया है। तो आज के वीडियो में इस गाड़ी के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थे, चाहे इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस क्या है, इसे आप माइलेज कितना का निकाल पाओगे, टॉप स्पीड क्या है, और इस गाड़ी में आपको क्या क्या बेस्ट फीचर्स देखने को मिलेंगे, हर एक उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले ये जो आप कलर देखोगे, जहाँ की आपको ट्रिपल टोन कलर का यूज देखने को मिलेगा, और ये जो टैंक है जो कि आपको 11 लीटर टैंक कैपेसिटी के साथ देखने को मिलता है। हिमालयन से कंपेयर करोगे तो आपको कम कर दिया गया है, बट आपको टोटली मेटल के साथ देखने को मिलेंगे। इधर आपको टोटली ब्लैक कलर, साथ साथ यहाँ पे देखोगे जहाँ की आपको रॉयल इनफील्ड को भी मेंशन किया गया स्टिकर के रूप में, और यहाँ पे आपको बीचों बीच येलो कलर के स्टिकर मिलेंगे, और इधर आपको रेड कलर का आपको स्टिकर दिया गया है। साइड बॉडी आप यहां पे देखोगे जहां कि आपको गोरिल्ला 450 को भी अच्छे से मेंशन किया गया है। गाड़ी आपको साथ E20 को सपोर्ट करने वाली है। फ्रंट के साथ और भी देखोगे तो यहां पे इस गाड़ी का फ्रंट डिजाइन को देख पाओगे, जो कि आपको टोटली रेट्रो डिजाइन में देखने को मिलता है। जैसे ही आप की ऑन करोगे तो ये आप हेडलाइट सेक्शन देख सकते हो, सेम आपको हिमालयन 450 वाला ही यहां पे यूज किया गया है। नीचे में आपको दो पीस DRL लाइट मिल जाएंगे, और आपको फुली LED का लाइट सेटअप मिल जाएगा। ऊपर में आओगे तो यहाँ पे आपको 1000 लाइट के पॉइंट दिए गए, जो कि आपको फुली इंडिकेटर जो मिलता है ये भी आपको LED में ही दिया गया है। इस जगह पे आपका नंबर प्लेट लग जाएगा। नीचे की ओर आओगे जहाँ कि आपको सोवा कंपनी का आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है। हिमालयन से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आपको हिमालयन में आपको अप साइड डाउन सस्पेंशन दिए गए हैं। मडगार्ड देखोगे जो कि आपको ट्रिपल टोन कलर में मिलेगा, आपको टोटली ब्लैक कलर, येलो कलर, और इधर आपको रेड कलर के आपको स्टिकर देखने को मिलेंगे। सस्पेंशन पे ही दोनों साइड आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। टायर आप यहां से देख सकते हो, जो कि आपको सीएट कंपनी का ट्यूबलेस टायर दिया गया है, आपको 120 सेक्शन के मिलेंगे, जहां कि आपको 17 इंचेस के साथ आपको टोटली ब्लैक कलर में आपको एलॉय व्हील दिया गया है। डिस्क का साइज आप इस साइड से देख सकते हो, जो कि आपको 310 mm का रखा गया है। हिमालयन से कंपेयर करोगे तो आपको कम साइज कर दिया गया है। डुअल चैनल ABS का सपोर्ट मिल जाएगा, और आपको यहाँ पे बाइब्रिक के ब्रेक कैलिपर्स दिए गए हैं, और यहाँ पे सस्पेंशन पे आपको रबर गेटर भी देखने को मिल जाते हैं। सीट की ओर आओगे तो यहाँ पे आपको सिंगल पीस सीट दिया गया है, जो पिलियन का सीट है वो आपको हल्के से ऊंचे देखने को मिलेंगे, बट SH पिलियन को बैठने में कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। राइडर का सीट भी आपको चौड़े दिए गए, और इसके अंदर जो रुई दिया गया है वो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे देखने को मिल जाएंगे। दोनों साइड आपको यहाँ पे सिंगल पीस ग्रैब हैंडल्स देखने को मिलता है, जो कि आपको टोटली मेटल के साथ दिया गया है। जस्ट नीचे की ओर आओगे तो रियर में आपको 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है, जो कि आपको टोटली व्हाइट कलर में मिलेंगे। यहाँ पे आपको छोटा सा मैट स्लैब दिया गया है। सीट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे की के स्लॉट मिल जाएंगे। एग्जॉस्ट आप यहाँ पे देखोगे सिंगल बैरल मिलता है, सेम आपको हिमालयन 450 वाला ही आपको एग्जॉस्ट यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया गया है। रियर का जो डिस्क है, जो कि आपको 270 mm के मिलेंगे, राउंड शेप में मिलता है। यहाँ पे भी आपको ABS के प्लेट मिल जाएंगे, और जो रियर टायर है, जो कि आपको 160 सेक्शन के देखने को मिलते हैं। सीएट का आपको यहाँ पे भी टायर दिया गया है, और इसका ग्रिप का पैटर्न देख सकते हो, जो कि आपको ब्लॉक पैटर्न दिया गया है, जिससे जो गाड़ी का स्टेबिलिटी है और जो रोड के साथ ग्रिप है वो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। टोटली रियर सेक्शन की ओर आओगे तो यहाँ पे आपको कहीं भी टेल लाइट नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इसका जो टेल लाइट है इसके इंडिकेटर में ही इंटीग्रेट कर दिया गया है। जब मैं आपको ब्रेक को दबाऊंगा तो ये आप देख सकते हो इल्यूमिनेशन आपका बढ़ जाता है, जिससे यही आपका टेल लाइट का काम करने वाली है। इस जगह पे आपको LED बल्ब्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर, और यहाँ पे आपका नंबर प्लेट लग जाएगा। लेफ्ट साइड आओगे तो यहाँ पे आपको बड़े साइज में सारी गार देखने को मिलेंगे। नीचे से आपको चेन टोटली खुला रखा गया है, लुब्रिकेशन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। इधर आपको मिडिल स्टैंड दिए गए, और यहाँ पे आपको साइड स्टैंड दिए गए। साइड स्टैंड में आपको साइड स्टैंड कटअप सेंसर मिल जाता है, और इस गाड़ी में आपको टोटल 6 गियर का आपको ट्रांसमिशन भी देखने को मिल जाएगा, और इसमें आपको असिस्ट एंड स्लीपर क्लच के भी ऑप्शन दिए गए हैं। मीटर कंसोल आप यहां पे देख पाओगे, जो कि आपको सेम हिमालयन 450 वाला ही दिया गया, आपको टोटली राउंड शेप में मिलेंगे। की को मैं एक बार ऑफ करके फिर से ऑन करता हूं, यहां देख सकते हो जहां कि आपको गोरिल्ला को भी मेंशन किया गया। ऊपर में आपको टैकोमीटर देखने को मिलेंगे, यहां पे आपको डिजिटल में क्लॉक मिल जाएगा, टेम्परेचर क्या है वो आपको यहाँ पे दिखाने वाली है। ओडोमीटर मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे इंजन वाल्व फंक्शन, आपको यहाँ पे इंडिकेटर दिया गया है, लेफ्ट टर्न राइट टर्न के इंडिकेशन, और यहाँ पे आपको फ्यूल गेज दिया गया है, साइड स्टैंड न्यूट्रल इंडिकेशन, और यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलेंगे। और इस मीटर को टॉगल करने के लिए आपको यहाँ पे दो बटन देखने को मिलते हैं, एक तो ए बटन मिलता है जो कि आपको जॉयस्टिक दिया गया है, और इधर आपको एक होम बटन भी दिया गया है। इस वाले बटन को जब आप प्रेस करोगे तो आप यहाँ पे मीटर पे देख सकते हो
जहाँ की आपको ट्रिप वन दिखाने वाली है, साथ साथ आपको यहाँ पे ट्रिप टू मिल जाएगा। नीचे की ओर आओगे जहाँ की आपको फ्यूल का रेंज क्या है वो मिल जाता है, और यहाँ पे देख सकते हो जहाँ की आपको फ्यूल कंजप्शन क्या है वो आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको बैटरी कितना वोल्टेज चार्ज है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है, और सबसे नीचे आपको सर्विस कब कराना है और कितने किलोमीटर पे कराना है वो आपको यहाँ पे दिखाने वाली है। और इधर जब आप होम पे जाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो जहाँ की आपको अपीयरेंस दिखाने वाला है। इसके अंदर जब आप इंटर करोगे जहाँ की आपको गोल्डन लाइन मिल जाएगा, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, ब्राइटनेस कम ज्यादा कर पाओगे, और स्क्रीन का जो टाइप है वो आप यहाँ से चेंज कर पाओगे। बैक करोगे फिर से जाओगे ट्रिप प्रेफरेंसेस पे तो आप यहाँ पे देख सकते हो जहाँ की आपको रिसेट ट्रिप करने का ऑप्शन मिल जाएगा, एनालॉग कंटेंट मिल जाएगा और डिजिटल कंटेंट आपको यहाँ पे दिया गया है। बैक करोगे नीचे की ओर आओगे माई व्हीकल पे, इसके अंदर जब आप इंटर करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो जहाँ पे आपको ट्रिप वन मिल जाएगा, ट्रिप टू मिल जाएगा, फ्यूल रेंज मिल जाएगा, इंस्टेंट फ्यूल कंजप्शन क्या है वो आपको शो करने वाला है, बैटरी का गैस क्या है वो आपको यहाँ पे दिखाने वाली है, सर्विस ड्यू रिमाइंडर मिल जाएगा, और इंजन का क्या टेम्परेचर वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। नीचे में आ सकते हो जहाँ की आपको सिस्टम का ऑप्शन मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको फेवरेट का ऑप्शन दिए गए हैं। मोबाइल कनेक्टिविटी मिल जाता है, जब भी आप अपने मोबाइल से कनेक्ट करोगे इसे तो इसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन के भी ऑप्शन दिए गए हैं। बहुत सारे आपको फीचर देखने को मिल जाएंगे, आपको फीचर लोडेड आपको यहाँ पे मीटर कंसोल दिया गया है। स्विचेस की ओर आओगे तो आपको लो बीम, आपको हाई बीम, और यहाँ पे आपको पासिंग के बटन दिए गए, लेफ्ट टर्न राइट टर्न का स्विच, और ये आपका हॉर्न का स्विच दिया गया है। ये स्विच आपको मैंने बता दिया, और इधर आपको होम का स्विच मैंने बता दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लच लीवर जो कि आपको बहुत ही ज्यादा लाइट वेट रखा गया है, जिससे आपकी उंगली में कहीं से भी दर्द नहीं होने वाला है। राइट साइड आओगे तो यहाँ पे आपको इंजन ऑन ऑफ करने का बटन दिया गया, यहीं से आप सेल्फ स्टार्ट कर पाओगे, और इसमें आपको दो राइडिंग मोड देखने को मिलते हैं। इस मोड वाले बटन को जब आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो जहाँ की आपको परफॉर्मेंस का ऑप्शन मिल जाएगा, और साथ साथ जो दूसरा मोड मिलता है जिसको आपको इको मोड दिया गया है। इको मोड में आपको सब माइलेज ज्यादा का निकाल सकते हो, और यहाँ पे ये जो बटन दिया गया है जो कि आपको हजार लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे बटन दिया गया है। गाइज अभी जस्ट आपने इस गाड़ी का एग्जॉस्ट साउंड को सुना, आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हो। इंजन आपको सेम हिमालयन 450 वाला यूज किया गया, 452 सीसी के देखने को मिलेंगे। सिंगल सिलेंडर 4 स्टॉक 4 वाल्व के साथ दिया गया, और इसमें आपको लिक्विड कूलिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिससे इंजन से जो हीटिंग इशू है वो आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा, और इंजन से आपको 40 पीएस का पावर और 40 न्यूटन मीटर का ये गाड़ी आपको टॉर्क देने वाली है। सफिशियंट पावर एंड टॉर्क देखने को मिलेंगे, कहीं से भी आपको लैग नहीं देखने को मिलता है। माइलेज अप्रॉक्स आप देखा जाए तो 25 से 30 का आप आराम से निकाल पाओगे अगर इसे आप अच्छे से राइड करते हो तो, और टॉप स्पीड तो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कितना का निकाल पाओगे। जो वजन है जो कि आपको 185 केजी के रखे गए, हिमालयन से आपको कम किया गया है, जिससे गाड़ी को सिटी में चाहे हाईवे में राइड करने में चाहे मैनोवर करने में आपको कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और जो सीट हाइट है इसे भी कम कर दिया गया है, मात्र आपको 780 mm के रखे गए हैं, जिससे अगर आपका हाइट 5.5 feet है तो आराम से इस गाड़ी को कंफर्टेबली चला पाओगे। दोनों साइड आपका पैर बहुत ही ज्यादा इजिली अटने वाला है। और ये आपका मिड मॉडल है जिसका कि आपको ऑन रोड प्राइस 293,000 rupees रखा गया है। हमारे नियर सिटी शोरूम रांची का आपको मैंने प्राइस बताया हुआ है, शोरूम का जो भी डिटेल है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको सब शोरूम विजिट कर सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे आके किसी भी रॉयल इनफील्ड प्रोडक्ट के चूज कर पाओगे। तो मैंने कहा जिस गाड़ी के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थे इसके डिटेल्ड रिव्यू में वो मैंने आपको हर एक कुछ अच्छे से बता दिया है। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन होता तब को सब कमेंट करके पूछ सकते हो, और साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर पाओगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।